हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं नौनीत सर, मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ ऑपरेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है ना, मतलब जो वेक्टर है उसके हम ऑपरेशन पढ़ेंगे। ऑपरेशन बोले तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो होता ही नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर प्यारे बच्चों। तो आज का जो लेक्चर है वो ऑपरेशन ऑफ वेक्टर पर, चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी सब लोग तैयार हो जाओ और अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये जो वेक्टर है प्यारे बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट है यार, बहुत ज़्यादा कोर कॉन्सेप्ट है। तो ऑपरेशन ऑफ वेक्टर में जो होती है वो दो टाइप की ऑपरेशन होती है। ठीक है, एक है एडिशन और सब्सट्रैक्शन। एडिशन से ही सब्सट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है ना। और तीसरा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन दो टाइप का होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और डिवीज़न ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर की जो डिवीज़न होती है वो बनी ही नहीं। क्यों नहीं बनी भाई, वाई क्यों नहीं, व्हाट इज़ द रीज़न, क्यों नहीं बनाया गया। ठीक है, क्यों एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों मैं ऐसे वेक्टर बी डिवाइडेड बाई वेक्टर सी क्यों ऐसे नहीं कर सकता। ये क्या है, रॉन्ग है, ये गलत है। आप कहीं भी फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में आप ऐसे नहीं देख सकते। ठीक है, हाँ ऐसे देख सकते हैं कि वेक्टर बी डिवाइडेड बाई सी, ये सही है। ठीक है, पर ये वेक्टर सी है क्योंकि एक वेक्टर में मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया गया, न्यूमेरिकल से डिवाइड किया गया। यहाँ वेक्टर में वेक्टर से डिवाइड किया गया है और यहाँ वेक्टर में स्केलर से डिवाइड किया गया, सी से डिवाइड किया गया है, जो कि सही है। अब आपको क्या रीज़न है, वो कौन सी बात है जिसकी वजह से प्यारे बच्चों डिवीज़न नहीं बनाया गया। चलिए मान लीजिए कि मैं नॉर्थ में डिवाइड करता हूँ साउथ से। ठीक है ना, मैं नॉर्थ में डिवाइड करता हूँ साउथ से तो मुझे मिलता है ईस्ट। मैं नॉर्थ में साउथ से डिवाइड कर दिया, मुझे मिल गया ईस्ट। क्या कभी ऐसा आप देखे हो, क्या कहीं आप ऐसा सुने हो, जब बना ही नहीं। ये क्या नॉनसेंस बात है यार, ये पागलपन है। ठीक है ना, ये ठीक है ना, ये क्या है, एक पागलपन है, एक गलत बात है, ऐसा इम्पॉसिबल है, इमेजिनरी भी नहीं हो सकता भाई। ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ में नहीं डिवाइड कर सकते और ईस्ट नहीं मिल सकता, ये कोई लॉजिकल नहीं है, ये इलॉजिकल है। तो हमें क्या बात समझ में आई प्यारे बच्चों, तो हमें ये बात समझ में आई कि वेक्टर से वेक्टर को डिवाइड नहीं कर सकते। द रीज़न बिहाइंड द प्रॉब्लम इज दैट द डायरेक्शन, गेटिंग यू प्रॉपरली, द डायरेक्शन वी कैन नॉट डिवाइड द वेक्टर बाय वेक्टर। द रीज़न इज बिहाइंड दैट डायरेक्शन बिकॉज दिस इज द मीनिंगलेस। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो चलो नेक्स्ट, अब देखो जो एडिशन, पहले एक एक बात करेंगे। ठीक है, पहले एडिशन सब्सट्रैक्शन की बात करेंगे। तो जो भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन होगा वेक्टर का वो दो पार्ट में पढ़ेंगे, पहला एनालिटिकल मेथड पढ़ेंगे, ठीक है, और दूसरा ज्योमेट्रिकल मेथड। ये क्या होता है एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड में मतलब हमें वेक्टर की मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है ना, दो वेक्टर को जोड़े तो वो स्केलर फॉर्म में, स्केलर चाहिए। ज्योमेट्रिकल मेथड में हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री का यूज करेंगे। ये दो टाइप से होगा, एक है ट्राइंगल और एक है पैरेललोग्राम, लेकिन ये दो ओनली टू वेक्टर के लिए, कितने के लिए, ओनली टू वेक्टर। ठीक है ना, दो वेक्टर के लिए यूज होगा। दो वेक्टर को हम ऐड कर सकते हैं इस मेथड से और दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं इस मेथड से, दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस मेथड से और दो वेक्टर को सब्सट्रैक्शन इस मेथड से पॉसिबल है। आई बात समझ में। लेकिन दो से अधिक हो तो क्या करेंगे, तो दो से अधिक हो तो उसके लिए पॉलीगॉन रूल होता है, उसके लिए अलग लॉ होता है। पहले इन सब को समझते हैं, फिर दो से अधिक बाद में बात करेंगे। चलो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि इससे कैसे सब्सट्रैक्ट करोगे और इससे कैसे सब्सट्रैक्ट और ऐड कैसे करोगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट जो हम बात कर रहे हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पहले डिफिनेशन पढ़ो सब लोग। ठीक है, ट्रायंगल लॉ क्या होता है, इट्स मतलब बहुत कोर है बच्चों, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इफ टू नॉन जीरो वेक्टर, देखो नॉन जीरो वेक्टर होना जरूरी है, नॉन जीरो वेक्टर के लिए बात कर रहा हूँ। नॉन जीरो वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, तो ऑब्वियसली ट्रायंगल में तीन साइड होते हैं। तो अगर ट्रायंगल की जो तीन साइड होती है, ये ट्रायंगल है,
ठीक है, और ट्राइंगल की तीन साइड होती है, तो दो साइड वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा, मान लो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा और ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये फर्स्ट साइड हो गया और ये सेकेंड साइड हो गया, तो थर्ड वाला इनका सम रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना, थर्ड वाला क्या है, सम रिप्रेजेंट, या कोई भी यार, ठीक है, कोई भी दो साइड अगर वेक्टर का, ये दो साइड ट्रायंगल का जो है वो साइड रिप्रेजेंट करा, तो तीसरा वाला क्या करेगा, उसका सम रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ऐसे तो रिप्रेजेंट करेगा नहीं, उसके कुछ रूल है, क्या रूल है प्यारे बच्चों, द रिजल्टेंट इज गिवन बाय क्लोजिंग ऑफ द थर्ड साइड इन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर का क्या मतलब होता है, देखो अगर मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, और ऐसे बना दिया, तो ये तो ऑर्डर सेम हो गया ना भाई, आप ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहे हो, ठीक है, तो ये क्या है, ऐसे नहीं होगा, ये गलत एडिशन हो गया, ठीक है। अब देखो अगर मैं ऐसे बना दिया तो ये ऐसे सेम ऑर्डर में तीनों हो गए, तो ये भी क्या है, गलत है। तो ऑर्डर, जो ऑर्डर है वो सेम नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को, देखो इसी चीज़ को मैं अगर ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, देखो एक वेक्टर ऐसे बनाया और दूसरा वेक्टर ऐसे बनाया, अब इनका ऑर्डर तो ये हो गया भाई, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ से ट्रायंगल ऐसे कंप्लीट किया, तो ये सही है, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो साइड है, समझ रहे, ये इसका ऑर्डर ऐसे है, इन दोनों साइड का ऑर्डर ऐसे है, और इस वाले का साइड का ऑर्डर ऐसे है, ठीक है, तो ये क्या है, ये सही है। अगर मान लो मैं ऐसे रिप्रेजेंट किया, ऐसे रिप्रेजेंट किया और फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, तो ये भी क्या है, ये सही है, क्योंकि दो का ऑर्डर ऐसे है और तीसरा वाला अपोजिट ऐसे मिला रहा है, ठीक है। तो अब चलिए हम ऐड करके देखते हैं, पहले हम निकालते हैं प्लस प्लस सम निकालते हैं पहले, कि कैसे निकालते हैं, ठीक है, फाइंड करते हैं, फाइंड सम, ठीक है ना, सम ऑफ टू वेक्टर्स, सबको आना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दो वेक्टर का सम सबको आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला एग्जांपल करते हैं, कि ये फर्स्ट है, आपको कोई दो वेक्टर दे दिया, चलिए मेरे पास वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर है, ये है, इसका नाम ए रख देता हूँ और इसका नाम बी रख देता हूँ। अब हम लोग को क्या निकालना है, ए प्लस बी निकालना है, क्या निकालना है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी निकालना है, तो उसको निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए तरीका क्या है बच्चों, ए प्लस बी निकालना है, तो कोई भी एनी वन वेक्टर ले लो, कोई भी चूज एनी वन वेक्टर, या इधर ए आर बी, या मैं ए ले लूँ या बी ले लूँ, किसी एक पॉइंट पर शिफ्ट कर दो, चलो यहाँ से मैंने एक पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया ए को, हाँ सबको शिफ्टिंग आती है ना, इस वेक्टर को उठा के मैं यहाँ रख दूंगा विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो चलो यहाँ पर मैंने इसको बना लिया बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए हुए, ठीक है, तो ये मैंने वेक्टर बना लिया, ये ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से इसके हेड से, इसको हेड बोलते हैं, ठीक है, इस एरो को हेड बोलते हैं, इसके हेड से मैं दूसरा वेक्टर बनाऊंगा विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो दूसरा वेक्टर कैसे जा रहा है, दूसरा वेक्टर यहाँ से हॉरिजेंटल है, ठीक है, तो ये वेक्टर बी आ गया, ठीक है ना। तो अगर ये वेक्टर बी आ गया, तो अब एक काम करो, ट्रायंगल कंप्लीट करो अपोजिट ऑर्डर में, ट्रायंगल कंप्लीट करो अपोजिट ऑर्डर में, तो यहाँ से जहाँ से चले थे वहाँ से मैं ट्रायंगल कंप्लीट कर दूँ, तो ये इनका सम रिप्रेजेंट करेगा ए प्लस बी, ठीक है ना, ए प्लस बी सम, मतलब एक नया वेक्टर बन गया, दो को जोड़े तो एक नया वेक्टर बन गया, इसका नया नाम दे देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो ये नया नाम दे देते हैं, वेक्टर आर या वेक्टर सी या कुछ भी कर दो यार, ए जुलाई के जी विस, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब वेक्टर बी लो, पहले ए लिए थे ना, अब बी लेते हैं, तो अगर मैं बी लूँ, देखो अब मैं बी लेता हूँ, तो मैं बी को पहले बनाता हूँ, बी क्या है, हॉरिजेंटल है, देखना बी हॉरिजेंटल है विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये मैंने बी को बनाया, ठीक है। अगर मैंने बी को बनाया, अब यहाँ से ए ये निकलेगा, ठीक है, इसके हेड से ए ड्रॉ करूँगा, मेरी इसके हेड से ए किधर है, थोड़ा सा नीचे है, तो ए यहाँ से थोड़ा सा नीचे है, ए आ गया वेक्टर ए, ठीक है। अब मैं ऐसे ट्रायंगल कंप्लीट कर दूंगा, अगर मैं ऐसे ट्रायंगल कंप्लीट कर दूंगा
तो ये क्या हो गया, गलत है, रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा। ऐसे केस में रिजल्टेंट जीरो आ जाता है, ठीक है। तो मैं अब जो ट्राइंगल कंप्लीट करूंगा वो अपोजिट ऑर्डर में करूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए अपोजिट ऑर्डर में यहां से मिलाते हैं, जहां से चले थे वहां से मिलाते हैं, और ये ट्राइंगल हो गया कंप्लीट, और ये वेक्टर हो गया ए प्लस बी, ठीक है। और ये ए प्लस बी, ये वेक्टर क्या था, ये वेक्टर ए था, ठीक है। तो ए प्लस बी ये वेक्टर, इसका नाम दे देते हैं नया वेक्टर आर। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये सीखे आप कि आप चाहे ए लो चाहे बी लो, ध्यान से देखो, अच्छे से देखो, आर इधर है उतना ही लेंथ का, आर इधर है, और जब बी प्लस ए जोड़े तभी भी आर इधर ही है यार, बात हो रही है, क्लियर। मतलब आर आर इसमें इधर था, इसमें आर इधर नहीं आ गया, ऊपर नहीं आया, मतलब आर की जो डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड हो तो बदले ही नहीं। मतलब चाहे आप ए प्लस बी लो या बी प्लस ए लो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द आर रिमेन्स ऑलवेज सेम। दैट इज हम फिजिक्स में, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और उसको मैं लिख दूं आपको कि ए प्लस बी वैक्टर बराबर होता है बी प्लस ए वैक्टर के, ठीक है। ए प्लस बी वैक्टर बराबर होता है बी प्लस ए के, भाई आई बात समझ में। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनी क्वांटिटी इन फिजिक्स विच फॉलो दिस रूल, दिस एडिशन रूल, ठीक है। वेक्टर, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ द वेक्टर, वेक्टर का डिफिनेशन ये है कि बहुत सारी क्वांटिटी जिसके, वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, और फॉलो दिस लॉ, एडिशन लॉ, ए प्लस बी दैट मस्ट बी वेक्टर। तो इस रूल को फॉलो करेगी तभी वो वेक्टर होगी, ठीक है ना। लिख दूं, एनी क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन फॉलो द लॉ ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। अगर किसी क्वांटिटी के पास ये सारी चीज़ें हैं प्यारे बच्चों, इतनी चीज है, कोई फिजिकल क्वांटिटी और इतनी चीज है, तो दैट मस्ट बी वेक्टर, उसको वेक्टर होना पड़ेगा फिजिक्स में, ये तीनों रहना जरूरी है। चलो आई होप कि आपको एडिशन समझ में आया होगा। चलो आप मुझे ऐड करके दिखाओ, ठीक है, सबको कुछ मुझे ऐड करो, ठीक है। चलो मैं कुछ वेक्टर देता हूँ, मैंने वेक्टर दिया दिस वन वेक्टर, वेक्टर एक्स हमें निकालना है, फाइंड वेक्टर एक्स प्लस वाई, वाई किधर है, वाई ऐसे है, तो ये तो एक्स प्लस वाई, अपने आप से वीडियो पॉज करो और जोड़ो, देखो आता है सभी को जोड़ने, चलो जोड़ो x प्लस वाई, किसको लूं बोलो, कोई भी ले लो, तुम्हारी मर्जी यार। चलो x ले लो, चलो पहले x को बना लूं यहां, ये मैंने बना लिया x को, शिफ्ट कर दिया वेक्टर x। अब यहां से इसके हेड से y को बनाऊंगा, y ऐसे है, a है y, ठीक है, a वेक्टर y। अब इनका जो सम है वो अपोजिट ऑर्डर में कंप्लीट कर दो ट्रायंगल, इधर से इधर जो कंप्लीट करोगे तो ये वेक्टर x प्लस y का सम है, और इसको मैं z वेक्टर बोल देता हूँ, नया नाम दे देता हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं कर सकते, अगर ऐसे कर दोगे, देखो याद रखो कि अगर ऐसे ऐसे x और ऐसे y और ऐसे z हो जाएगा तो रिजल्टेंट नेट जो है, नेट कुछ भी वेक्टर नहीं मिलेगा, नेट नल वेक्टर हो जाएगा, नल वेक्टर, ठीक है ना, नल वेक्टर हो जाएगा। मतलब ये अगर ये ए ए मान लो ये कोई वेक्टर x हुआ, ये y हुआ और ये z हुआ, तो x प्लस वाई
प्लस जेड का सम जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। हमेशा इस चीज को याद रखो कि अगर एक ही साइकिल चाहे कितने भी वेक्टर ले लो, तीन ले लो, चार ले लो, पांच ले लो, दस ले लो, बीस ले लो, सौ ले लो, एक हजार ले लो, 1000, तो सबको अगर एक ही ऑर्डर में कर दोगे तो सबका रिजल्टेंट जीरो मिलेगा, वो गलत हो गया, ये सही है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। और करोगे एक और कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगा और ज़्यादा, ठीक है ना। चलो एक और सवाल देता हूँ। एक वेक्टर ऐसे जा रहा है वेक्टर पी, एंड दूसरा वेक्टर जा रहा है वेक्टर क्यू। तो चलो पी प्लस क्यू निकालो सब लोग, फाइंड द पी प्लस क्यू। तो वेक्टर पी किधर है भाई, वेक्टर पी ऐसे है, पी प्लस क्यू निकालना है, तो वेक्टर पी ऐसे है, और अब यहाँ से मैं क्यू ड्रॉ करूँगा तो क्यू ऊपर है, तो ये रहा क्यू। अब मैं कहाँ से, जहाँ से चला था वहाँ से ट्राइंगल बनाऊँगा, यहाँ से चले थे और यहाँ फाइनली आ गए, तो ये जो है वो पी प्लस क्यू वेक्टर देगा, इसको मैं आर बोल देता हूँ। तो ये पी, ये गलत हो गया, ठीक है, एक मिनट ये गलत हो गया प्यारे बच्चों। पी प्लस क्यू देखो, तो देखो फिर से इसको करते हैं। यहाँ क्यू को पहले बना लिए, क्यू को इधर है, तो यहाँ से पी ड्रा करो, पी इधर है, ठीक है, तो पी इधर है, तो पी इधर बना लिया मैं, ठीक है, ये रहा मेरा पी, ठीक है ना। तो ये रहा मेरा पी, इधर आ गया, अरे भाई पी, तो ये वेक्टर क्यू और वेक्टर पी। अब ट्राइंगल कंप्लीट कर दो, तो ट्राइंगल यहाँ से कंप्लीट कर दो जहाँ से चले थे, ये पी प्लस क्यू वेक्टर आर। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि एडिशन कैसे करते हैं, ठीक है ना, पी प्लस क्यू कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूँ इसी में पी माइनस क्यू कैसे निकालोगे, डिफरेंस कैसे निकालोगे, डिफरेंस, ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का डिफरेंस, ठीक है, तो दो वेक्टर का डिफरेंस ए माइनस बी निकालना है हमको, ठीक है। तो समझो ए माइनस बी निकालना है, जैसे मान लो मेरे पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, वेक्टर ए है वेक्टर बी है, तो हमें क्या चाहिए, ए माइनस बी चाहिए, तो ए माइनस बी चाहिए, तो वेक्टर ए ऐसे ही कॉपी कर लो, समझना इसको, वेक्टर ए ऐसे कॉपी कर लो। अगर एडिशन होता तो यहाँ से वेक्टर बी ऐसे बना देते, लेकिन ये एडिशन नहीं है ना, ठीक है, ये क्या है, सब्स्ट्रक्शन है। तो ए माइनस बी जो वेक्टर ए है और माइनस वेक्टर बी है, इसको मैं लिख सकता हूँ वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, तभी तो ए माइनस बी। तो जो प्लस का साइन आया है वो एडिशन के लिए आया है, और माइनस मतलब इसको उल्टा कर दो, वेक्टर का माइनस मतलब अगर वेक्टर बी ऐसे है सीधा है तो उसको उल्टा लटका दो, उल्टा कर दो इसको, तो वेक्टर बी को माइनस ऐसे कर दूँ तो ये आ जाएगा माइनस वेक्टर बी। अब फिर से यहाँ से ट्राइंगल कंप्लीट कर दोगे तो ये देखो ए अपोजिट ऑर्डर में है भाई, ये ऐसे आ रहा था ये ऐसे चला गया, ठीक है, तो ये जो वेक्टर है वेक्टर सी, ये नया इनका डिफरेंस है ए माइनस बी का, ये माइनस बी एक्चुअली ये माइनस बी का देगा, इसको ऐसे लिखो पहले एक बार, तो वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी दैट इज ए माइनस बी। आया बात समझ में, आई होप कि ये सम और डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा बाय ट्राइंगल रूल, ठीक है। चलो अब हम पैरेललोग्राम यही चीज दोबारा करते हैं, ठीक है, जो हम करके आए हैं सम एंड डिफरेंस सेम, सम भी निकालेंगे डिफरेंस भी निकालेंगे, बल रूल अलग होगा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, देखो पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, इफ टू नॉन जीरो वेक्टर है आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू वेक्टर, ठीक है। चलो तो भाई पैरेललोग्राम आप जानते हो ना क्या होता है, पैरेललोग्राम जिनके अपोजिट साइड, ठीक है, इक्वल और पैरेलल हो, ठीक है, स्क्वायर
रेक्टेंगल, ये सब क्या है, पैरेललोग्राम है। तो अगर पैरेललोग्राम में दो वेक्टर हो, ठीक है ना, मतलब दो साइड, कोई भी दो एडजेसेंट साइड, ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये पहला वाला साइड ले लिया और ये दूसरा वाला साइड ले लिया, अगर ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हों तो इस पॉइंट से जो डायगोनल जाएगा वो इनका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा आर। आया बात समझ में? कोई भी दो साइड ले लो, जैसे ये मैंने ये साइड ले लिया और ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है ये दो साइड एडजेसेंट, तो इन इन यहाँ से गुजरने वाली जो डायगोनल होगी वो रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगी। आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो चलो करके देखते हैं इसको, करके देखते हैं इसको। तो एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, हम a प्लस बी निकालते हैं, दो वेक्टर। अब चलो एक वेक्टर ये मैंने ले लिया जिसका नाम रखा a, और एक वेक्टर b ले लिया, ठीक है, ये। तो अब इनका अगर मैं सम निकालूं, a प्लस बी निकालूं, तो मैं कैसे निकालूंगा? चलो इनको एक पॉइंट पे शिफ्ट कर दो, एक पॉइंट पे इन दोनों को शिफ्ट करना है, एक पॉइंट पे इन दोनों को शिफ्ट करना है। ए को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया और यहां से मैं इसी पॉइंट पे मैंने बी को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं पैरेललोग्राम बनाऊंगा ऐसे कुछ, ये ऐसे पैरेललोग्राम बनता, तो जो डायगोनल होगा यहां से जो डायगोनल जाएगा सीधा ये ए प्लस बी रिप्रेजेंट करेगा। अच्छे से देखो, ये ट्रायंगल रूल से ही बना है, क्योंकि इस ए वेक्टर को ऊपर शिफ्ट कर दोगे और ये बी प्लस ए, तो ये डायगोनल हो गया। बी को इधर शिफ्ट कर दोगे, देखो बी को इधर शिफ्ट कर दिए, ठीक है, तो ट्रायंगल रूल लगा दो। ए को ऊपर शिफ्ट कर दिए तो ट्रायंगल रूल लगा दो, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे, तो दो ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल और अपर ट्रायंगल से मिल के बना हुआ, मतलब ट्रायंगल रूल से ही बना हुआ है। आया समझ में? चलो तो ये a प्लस बी हो गया। उसी तरह से एक और कर लो, एक और सम कर लो पैरेललोग्राम लॉ से, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरे पास कोई बड़ा सा वेक्टर है, ये वाला वेक्टर c, ठीक है, और कोई छोटा वेक्टर है ये वेक्टर d। अब पैरेललोग्राम बनाओ, c प्लस d निकालो, ठीक है। तो चलो कोई किसी को भी बना लो, एक पॉइंट पे दोनों को शिफ्ट कर दो। ये पॉइंट है, यहाँ से मैं c बना रहा हूँ, तो ये गया वेक्टर c, ठीक है। अब इसी पॉइंट से मैं d को भी बनाऊंगा, चलो d बना लिया। अब पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है इक्वल साइड, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो। तो पैरेललोग्राम जब बनेगा तो कुछ ऐसा, इमेजिंग करो समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो यहां से इसके पॉइंट से जो डायगोनल कंप्लीट होगा, डायगोनल जो इधर जाएगा, यही डायगोनल, ये वाला, ये जो डायगोनल है वो c प्लस d देगा। दैट इज कुछ वेक्टर दे दो, f वेक्टर नाम दे दो। आई बात समझ में? एक ही पॉइंट पे दोनों को शिफ्ट करना है और b से क्रॉसिंग करना है, पैरेललोग्राम इमेजिंग करना है। चलो तो ये अब इससे डिफरेंस कैसे निकालोगे? ज्योमेट्रिकल मेथड से डिफरेंस, जैसे मान लो मुझे a माइनस बी निकालना है, ठीक है, a माइनस बी निकालना है। ये वेक्टर आपको a दे दिया और ये वेक्टर आपको b दे दिया, तो a माइनस बी निकालो। तो पैरेललोग्राम लॉ से a माइनस बी इस पॉइंट पे दोनों को शिफ्ट कर दो। a को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया और मैंने b को इधर शिफ्ट कर दिया, इसी पॉइंट पे मैंने b को शिफ्ट कर दिया। अब हमें माइनस चाहिए ना, तो माइनस चाहिए, तो बी को मैं अब उल्टा कर दूंगा, बी को उल्टा कर दूं, ये आ गया माइनस बी। है सब कुछ ठीक भाई? बी ऊपर था तो नीचे कर दो, माइनस हो जाएगा बी। अब जब ट्रायंगल, अब यहाँ से पैरेललोग्राम इमेजिंग करोगे, ठीक है, तो ये तुम्हें सोचना पड़ेगा, इमेजिंग करना पड़ेगा। तो ये जो वेक्टर आया, दूसरे कलर से बनाता हूँ, ये जो वेक्टर यहाँ से क्रॉस होगा, ये दिस वेक्टर इज a प्लस माइनस बी, ठीक है, दैट इज a माइनस बी, ठीक है। अरे भाई देखो ट्रायंगल रूल, ये वेक्टर a इधर इधर, इस वेक्टर को a को उठा के यहाँ रख दो ना, ये a ही तो है, पैरेलल शिफ्टिंग, तो ये आ जाएगा a माइनस बी। यहाँ एक छोटा सा ट्रायंगल बना है, और अगर इधर कंप्लीट करते
ठीक है, समझ रहे ना, इधर कंप्लीट करते तो ये देता a प्लस बी, ठीक है। ट्रायंगल रूल सोचो, ट्रायंगल रूल लगाओ। तो आई होप कि ज्योमेट्रिकल मेथड से आपको एडिशन एंड सब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल 100% क्लियर योर डाउट। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।